तो कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया और इसमें तमाम तरह के वादे किए गए हैं और इसमें जातिगत जनगणना से लेकर गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। तो न्याय पत्र कांग्रेस ने समाज के हर तबके को एड्रेस करने की कोशिश की है और बीजेपी ने इस घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि विदेश की तस्वीरें इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी झूठ बेचना चाहती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। इस दौरान प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इसमें मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया गया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स भी लाने का वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र वर्क वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार है। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। क्या हो रहा है? विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें 10 न्याय और 25 गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। Z News.